हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पपीते की खीर की रेसिपी। जो पपीता हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है और इसका खीर बहुत टेस्टी बनता है, तो चलिए बनाते हैं। हमने खीर बनाने के लिए 2 पपीता लिया है जो 1.5 केजी का है। पपीते को हम अच्छी तरह से पहले छील लेते हैं। देखिए, मैंने दोनों पपीते को अच्छी तरह से छील लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। देखिए, मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में पपीते को काट कर रख लिया है। अब हम सभी कटे हुए पपीते को कुकर में डालेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और 3 सीटी आने तक इसको उबालेंगे। पपीता उबल चुका है तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब पपीता अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हमने लिए है 1 बर्तन, उसके ऊपर हम डालेंगे कॉटन का कपड़ा और उबले हुए पपीते से उसका पानी निचोड़ कर अलग कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी पपीते से पानी निचोड़ कर अलग कर लेंगे। मैंने ले लिया है यहाँ पे एक कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी घी। अब हम इसमें पपीते को डालकर भून लेंगे। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। देखिए, अब इसका कलर कितना अच्छा से चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध हमने लिया है यहाँ पर 2 लीटर। इसे हम लो फ्लेम में पकाएंगे और धीरे धीरे चलाते रहेंगे। मैंने कच्चा पपीता यूज किया है। आप हल्का पका पपीता भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा पका पपीता का यूज ना करें। खीर पक गई है तो इसमें हम डालेंगे चीनी। मैंने 1 कटोरी चीनी यूज की है। आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे काजू, किशमिश। इसको अच्छी तरह से चला देंगे। खीर बन चुकी है तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। देखिए, हमारी खीर बनकर रेडी है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा।